आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज के 9 फरवरी के ईश्वरदान की। आज की रिकॉर्डिंग आपको थोड़ी सी लेट पहुंच रही है, मैं कहीं बिजी हो गया था जिस कारण से आज थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आई होप आप तक ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाए एंड आप इसको देख पाए टाइम पर एंड इसको सुन करके आपको कोई फायदा हो। तो देखिये आज परमात्मा कहते क्या है। परमात्मा आज कहना चाहते हैं हमें कि जब हम सेवा की फील्ड में उतरते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम सेवा करते हैं लेकिन सेवा करते 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 हम वहां पर कहीं ना कहीं झमेला क्रिएट कर देते हैं। सेवा हो रही होती, गए होते हैं सेवा के माध्यम से। अब सेवा का माध्यम सिर्फ आपका ब्रह्म कुमारी की सेवा ही नहीं है, अगर आप एक झुंड में जाकर के सब लोग मिलकर के कुछ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो आपकी कंपनी में हो रहा हो, चाहे आपके घर में हो रहा हो, घर वाले मिलकर काम कर रहे होते हैं, हम जाते हैं कि वो काम हो जाए लेकिन हम क्या करते हैं, वहां पे हम केओस या झमेला क्रिएट कर देते हैं। तो परमात्मा आज इसी चीज के बारे में थोड़ा सा रोशनी डाल रहे हैं। तो देखें परमात्मा कहते हैं सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले माया जीत हवा। तो माया क्या है, हमारे अंदर काम या क्रोध या लोभ या मोह या अहंकार या ईर्ष्या या घृणा हमारे अंदर आ जाना, ये भी क्या है, अलग अलग माया के रूप है जो कि हमें अपने लक्ष्य तक जो हम जिस कार्य के लिए गए हैं उसको पूरा नहीं करने देते, ये डिस्ट्रैक्शन है। आगे आके हम कुछ समझ नहीं कैसे। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा आवश्यक है, दैट मींस हमारी बैटरी चार्ज होनी इंपॉर्टेंट है। अगर बैटरी जब चार्ज नहीं होती है तो हमें नेगेटिविटी दिखना बहुत जल्दी शुरू होती है, इम्प्योरिटी दिखना बहुत जल्दी शुरू होती है, गलतियां दिखना बहुत जल्दी शुरू होती है। ये बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है, इसलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। मतलब कि अपना भी बैलेंस और औरों के साथ भी बैलेंस रखो तो माया जीत बन जाएंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है। जब भी हम बैलेंस रखते हैं तो कमाल क्या होती है कि जब हम सेवा के किसी भी कार्य में जब हम मिल करके चलते हैं तो हो सकता है कोई आपको ताने मारे, कोई हो सकता है आपके अंदर गलतियां देखे, आपकी फॉल्ट देखे और आपको चिड़चिड़ा बना दे। तो ये भी क्या हुआ, ये हो गया माया का अटैक कि आपके अंदर के अहंकार को जागृत कर दिया, आपके अंदर के डिफेंस को जागृत कर दिया, भाई मैं नहीं आप अपने आप को देखो आप गलत कर रहे हो। और फिर वहां पे हमारी शुरू हो गई तू मैं, वहां पे हम काम करने गए थे कोई और हो गया आपस में केओस झमेला। तो बैलेंस रखने से कमाल होती है। अगर आपके अंदर मेडिटेशन की शक्ति होगी तो आपको किसी के कमेंट्स या टॉन्ट्स की आपको असर ही नहीं पड़ेगा, आप फटाफट अपने आपको मोल्ड कर लेंगे और उस समय ढल जाएंगे और आप निकल पड़ेंगे। नहीं तो सेवा में बाह्य मुक्तता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल में आ जाते हो। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, उसकी उसकी नेचर देखो, उसकी मेरे को नेचर पसंद नहीं है, उसकी आदतें मेरे को पसंद नहीं है। और हम ज्यादातर देखते हैं कि हम जाते हैं सेवा करने, कार्य पूरा करने जाते हैं लेकिन आपस में ही भिड़ रहे होते हैं। परमात्मा कहते हैं फिर आपने कितना समय वेस्ट किया, कितनी एनर्जी वेस्ट करी, आपने वहां का वातावरण खराब कर दिया, वहां का माहौल खराब कर दिया, अपनी सोच खराब कर दी और साथ ही साथ अपनी एनर्जी को और ड्रेन आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि आपके अंदर आत्मिक बल, आत्मविश्वास और आत्मिक शक्ति नहीं थी और आत्मसंयम नहीं था कि उस सिचुएशन को आप शांतिपूर्वक बिना अहंकार में आए हुए, बिना किसी की गलतियां देखे हुए, बिना किसी को नुक्स निकाले हुए, बिना बॉसीनेस यूज करे हुए आपको कार्य करा सकते थे। तो सिद्ध पुरुष कौन होगा जो हर सिचुएशन में निंदा स्तुति लाभ हानि जय पराजय में एक समान रहे। कहीं बहुत एक्साइटेड ना हो जाए लाभ हो जाए तो, कहीं हानि हो जाए तो बहुत ही डिप्रेस और सबको ब्लेम करना, सबकी तुम्हारी वजह से, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें ये नहीं करना आता, ये सारी चीजें होती है हमारे। अगर हम करते हैं सारी चीजें इसका मतलब हमारी बैटरी ड्रेन आउट है, हम परमात्मा से जुड़ नहीं पा रहे हैं और हमें या तो जुड़ना आता नहीं है, तो उसके लिए ब्रह्म कुमारी से आपके लिए। परमात्मा कहते हैं नहीं तो सेवा में बाह्य मुक्तता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव में की धमाल, धमाल मतलब में आ जाते हो। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़ करा देती है। सेवा की भाग दौड़ में माया बुद्धि की भाग दौड़, ये क्या हुआ, ये क्यों किया, ऐसे नहीं किया, वैसे क्यों किया, ऐसा तरह समझाया तो नहीं, यानी रखना है ये सब क्या है, बुद्धि क्यों भाग रही है सारी, हम कंट्रोल करने की कर रहे हैं सिचुएशंस को, हमारे अनुसार होना चाहिए औरों के अनुसार नहीं। अगर हर आत्मा आपके अनुसार होती तो हर आत्मा का शरीर आपके जैसे दिखता, हर आत्मा आपके घर में ही पैदा हो रही होती,
वो भी वैसे पॉसिबल नहीं है। हर आत्मा आपके जैसी दिखती है, हर आत्मा को आपको जैसा रोल मिलता, और हर आत्मा की सोच बिल्कुल एग्जैक्टली आप जो सोचते वही होती, तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं है। इसलिए हर आत्मा डिफरेंट, हर आत्मा के अपना अपना रोल है, हर आत्मा की अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार अपनी सोच है, तो तभी तो दुनिया रंग बिरंगी है। नहीं तो अगर दुनिया रंग बिरंगी नहीं हो तो फिर हर चीज क्या होगी? ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये चीज हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज को आपको ग्रहण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ब्रह्म कुमारीज में मेडिटेशन जब सीखते हैं तो आपको ये चीजें रहस्य समझ आने शुरू होते हैं। इसके साथ ओम शांति।